दोस्तों नमस्कार। दाल बाटी बनाने की तो रेसिपी हमने हमारे चैनल पर बहुत टाइम पहले अपलोड की थी और भी आएगी, लेकिन आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मसाला बाटी बनाने की एक परफेक्ट रेसिपी लेकर आए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय देना इस वीडियो को देखने के लिए और परफेक्ट तरीका आप सीख जाएंगे मसाला बाटी बनाने का। परिवार वालों को बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए राजस्थान की ये वाली डिश आप लोग जरूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मसाला बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी गेहूं के आटे की। तो यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है हमने, लगभग 800 ग्राम आटा है। आप कम ज़्यादा जितना चाहिए उतना बनाना हो ले सकते हैं। अब इस गेहूं के आटे के अंदर हम एक कटोरी सूजी ऐड करेंगे, रवा। अब इसमें थोड़ी सी वरियाली ऐड करेंगे, बड़ी सॉफ्ट, थोड़ा सा अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा सा हाथ में क्रश करके ऐड करें, इसका स्वाद अच्छा आएगा। अब आएगा थोड़ा सा मीठा सोडा और अपने स्वादानुसार नमक। मसाले मिला दिए हैं और आटे के बीचों बीच खड्डा किया, इसके अंदर 2 टीस्पून हम ऐड करेंगे घी। आप घी या तेल दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अच्छे से सभी को मिला लेते हैं, तेल मसाले और गेहूं के आटे को बढ़िया मिक्स कर लेते हैं पहले। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए घर पर जिस प्रकार से हम रोटी बनाते हैं, रोटी के लिए जो हम आटा लगाते हैं वैसा ही आटा गूंद कर लेना है। ज़्यादा सख्त भी आटा नहीं लगाना है और ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने मसाला रोटी के लिए डो लगा कर तैयार कर दिया है। थोड़ी देर इसको और गूंद रहे हैं हम ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो ये देखिए फाइनली आटा लगा दिया हमने गेहूं का मसाला रोटी के लिए। अब हम इसको ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रखेंगे। आपको कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेना है और इस तरीके से ढककर इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। अब हम मसाला तैयार करेंगे मसाला बाटी के लिए। तो यहाँ पर मैं मसाले देखिए, ये गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये साबुत तेज़पत्ता और लहसुन, कसूरी मेथी, जीरा और बारीक कट किए हुए प्याज, हरी मिर्च, साबुत धनिया, हरे मटर और यहाँ पर है ये आमचूर पाउडर। ये यहाँ पर आलू ले लिया हमने उबाल कर और इनको बढ़िया हमने अभी बारीक कर लिया है। सबसे पहले बड़ी कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम अपने हिसाब से तेल ले लेंगे। तो हमने 3 से 4 टीस्पून तेल ले लिया है, टेबल स्पून। तेल गरम आ गया, सबसे पहले जीरा ऐड करेंगे। अब आएगा साबुत धनिया, अब आएगी हरी लहसुन और तेज पत्ता, हरी मिर्च, प्याज। अब इनको हमें सबसे पहले अच्छे से पकाना है। मसालों को अच्छे पकाना है तो मसाला बाटी का स्वाद अच्छा आएगा। कोई भी मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए। प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन आ जाएगा ना तो समझ लीजिए मसाला पक गया हमारा। उसके बाद ही दूसरे मसाले ऐड करें। तो ये मसाले पक गए दोस्तों, प्याज, मिर्च और पहले डाले हुए मसाले। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरे मटर। मटर को भी हमें बढ़िया तरीके से पका लेना है क्योंकि मसाला बाटी की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये मसाला ही है। इस मसाले को ही हमें अच्छी तरीके से पकाना है तभी जाके इसका स्वाद बेहतर आएगा।
इस मसाला बाटी को आप बहुत सारी अलग अलग सब्जियों के साथ खा सकते हैं। मटर का भी हल्का कलर बदल जाएगा ना, तब तक इसको हमें धीमी आंच पर पकाना है। अब दोस्तों मटर भी अच्छे से पक गए, अब आएगी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने स्वादानुसार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। अभी यहीं पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून हम करेंगे इसके अंदर आमचूर पाउडर ऐड। तो ये हो गए मसाले ऐड। नमक अपने स्वादानुसार ऐड कर देंगे। तो अब हम इन मसालों को करते हैं बढ़िया से मिक्स। अब सभी मसाले पक गए, अब आएंगे इसके अंदर आलू, बारीक किया हुआ मसाला आलू, और इसको भी हमें बढ़िया से मिला लेना मिक्स। अब आएगी दोस्तों कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को भी हमने ऐड कर दिया है। अब इस मसाले को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, उसके लिए हम दूसरा औजार यूज में लेंगे। अब हम इस वाले चम्मच से इसको अच्छी तरीके से थोड़ा बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारे जो मटर है वो भी थोड़े थोड़े क्रश हो जाएंगे और जो आलू हैं उसमें भी कोई गांठें नहीं रहेगी। तो मसाला बढ़िया तरीके से हमारा बनकर तैयार। अब हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ऐड करेंगे दोस्तों हरे धनिए। तो धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं। धनिया पत्ती हमेशा बारीक कट करते हैं, वैसा नहीं करना है, हल्का सा बड़ा रखना है साइज़, ताकि मसाला बाटी के अंदर इसका स्वाद अच्छा लगेगा। तो ये पूरे धनिया पत्ती ऐड कर दिया, फिर से इसको एक बार मिला लेते हैं। तो फाइनली हमारा मसाला तैयार, और अब हम चलते हैं इसको मसाला बाटी के लिए भरने के लिए। तो देखिए दोस्तों मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है, और अब हम इस मसाले की नींबू के आकार में छोटी छोटी बॉल्स बना बना कर हम तैयार करेंगे। मसाला बाटी आप जैसी साइज रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप बॉल्स बना लीजिए। हम यहाँ पर रेगुलर बाटी जो बनाते हैं वैसी बॉल बना दिए यहाँ पर, और इसको यहाँ प्लेट में रख देते हैं। राजस्थान की बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है मसाला बाटी। बाटी हमारे राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती हैं, और दाल बाटी चूरमा तो सबसे ज़्यादा फेमस है और हर घर की डिश है। होटलों में भी आजकल बहुत जगह पर दाल बाटी चूरमे की जो डिश मिलती हैं, जिसमें जो चूरमा होता है वो इस बाटी से ही बनता है, लेकिन वो बाटी सादी बनती है, वो मसाले वाली नहीं होती है। और ये जो मसाला वाली बाटी है आप अलग अलग बहुत सारी सब्जियों के साथ इसे खा सकते हैं। तो हम इसी तरीके से पूरी बॉल बना के यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी मसाला बॉल हमने बनाकर तैयार कर दी है। अब यहाँ से हम कपड़ा हटाते हैं और ये हमारा डो जो है इसको थोड़ा और वापस गून लेते हैं हम। अब इसमें से हम रेगुलर साइज़ की जो हम बाटी बनाते हैं उतनी बड़ी हमें लोई लेनी है। ये लोई ले ली, अब इसको हमें एकदम बढ़िया फैला देना है, बीच में खड्डा करके चारों ओर इसको फैला दे। जिस तरीके से आप कचौरी भरते हैं ना, वैसे ही इसको भी हमें आज मसाले से भरना है।
तो ये जगह कर दी हमने बीचों बीच। इसके बीच में हम रखेंगे अब एक मसाला की बॉल और अब हम इसको कर देते हैं पैक। तो इस तरीके से पैक कर देना है और वापस एकदम बढ़िया गोल आकार में करके इसको हमें रख देना है। ये देख सकते हैं आप, तो इस तरीके से हमें तैयार करनी है। मसाला बाटी हमने भरकर तैयार कर दी है और अब हम इसको पकाएंगे। तो पकाने के लिए हम कुकर का यूज लेंगे, तो कौन सा कुकर होता है चलिए आपको दिखाते हैं वो भी। अब दोस्तों मसाला बाटी को पकाने के लिए यहाँ पर हमने कुकर रखा है, ये देखिए ये हमारा है देसी कुकर। इसको हमने पहले से ही स्टोव के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया था और अब हम इसके अंदर ये मसाला बाटी जो है इसके ऊपर रख देते हैं पकाने के लिए। तो यहाँ पर मसाला बाटी को पकने के लिए हमने रख दिया है कुकर में और अब हम इसको लगभग 5-5 मिनट में बार बार चेक करेंगे और इसको हम पलटते रहेंगे तो ये अच्छी तरीके से पक जाएगी। अब हम इसको ढक देते हैं और धीमी आंच पर ही इसको हमें पकाने के लिए रखना है। ये आ गया इसका ढक्कन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मसाला बाटी है वो हल्की हल्की देख सकते हैं पक रही है। देखिए कलर इसका चेंज हो गया है और इसको हम पलट रहे हैं अभी। एक साइड से ये हल्की सी पक गई है तो इसको आप बीच बीच में देखते रहे, चेक करते रहे, नहीं तो ये एक साइड से जल भी सकती है, इसलिए इनको हमें चेक करते रहना है। वापस इसको हम ढक देते हैं और स्टोव की फ्लेम को एकदम धीमी आंच पर रखना है, ज़्यादा तेज नहीं। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं यहाँ पर मसाला बाटी जो है देख सकते हैं आप फट गई है। ये देखिए दरारें आ गई है ना और देख सकते कलर भी बदल गया है, लगभग ये पक चुकी है। इसको हमें थोड़ी देर और रखना है। देखिए बढ़िया तरीके से ये पक गई है, ये देखिए पक जाती है ना तभी ये इस तरीके से फटती हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारी मसाला बाटी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। आप एक पीस को तोड़िए, अंदर देखिए आप मसाला, ये देखिए दोस्तों बहुत ही गजब, बहुत ही। तो देखिए मसाला कितना गजब का अंदर भर गया है और इसे अब दोस्तों आप दाल तड़का के साथ, पनीर की सब्जी के साथ, मसाला दही के साथ, रायता के साथ और भी अलग अलग बहुत सारी सब्जियों के साथ इसे आप खा सकते। तो हमने साथ ही में यहाँ पर खाने के लिए दाल तड़का बना दिया है, तो दाल तड़के के साथ इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब आता है, ये देखिए दोस्तों। तो ये हो गई हमारी थाली तैयार। अब इतने तो बाटी एक साथ में कोई नहीं खा पाएगा, लेकिन सजावट के लिए आपको थाली सजा कर दिखा दी है। ऐसे होती है दोस्तों मसाला बाटी की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बनाकर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा।